नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी अपने अपने स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। इधर मुखिया जी अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं कि अगर मुखिया बन जाएंगे तो हम अपने पंचायत में ये काम करेंगे। तो इधर प्रखंड स्तर पर भी लोग तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण का चुनाव 24 सितंबर से होने वाला है। इसके बाद दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस दौरान जहानाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नामांकन करने पहुंची एक महिला की मांग में देवर ने प्रखंड कार्यालय में ही सिंदूर डाल दिया। आपको बता दें कि महिला का पति 2 साल पहले ही मर चुका था, जिसके बाद महिला विधवा हो गई थी। जब वह प्रखंड कार्यालय नामांकन करने पहुंची तब उनके देवर ने अपने भाभी के मांग में सिंदूर भर दिया। बिहार पंचायत चुनाव का नामांकन का दौर चल रहा है। इस दौरान जहानाबाद से एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है। नामांकन करने आई महिला उम्मीदवार की मांग उनके देवर ने प्रखंड कार्यालय के बाहर ही भर दी। घोसी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के डहपुर गांव की रहने वाली रेखा देवी को प्रखंड परिसर में वार्ड सदस्य के लिए नामांकन करने आई। इसके साथ ही गांव के ग्रामीण और समर्थक भी नामांकन में भाग लेने के लिए आए थे। इस दौरान विधवा महिला ने पूरे समाज के सामने अपने देवर राजेश कुमार के साथ सादगी रचा ली। मालूम हो कि उस महिला के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। ग्रामीणों के द्वारा वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया तो महिला तैयार हो गई। सोमवार को नामांकन करने प्रखंड परिसर आई। इस दौरान देवर ने इस महिला से शादी रचाई। यहां नामांकन के बाद प्रत्याशी को आम लोगों ने माला पहनाए। वहीं प्रखंड परिसर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। देवर ने नामांकन के बाद भाभी को वरमाला पहनाते हुए मांग में सिंदूर भर दिया और अपनी पत्नी बनाकर नए जीवन की शुरुआत की। महिला का कहना है कि मैं इस शादी से काफी खुश हूं और नए जीवन की शुरुआत आज से करूंगी। जब इस बात की चर्चा प्रखंड परिसर में हुई तो देवर भाभी को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। महिला के ससुर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस शादी से हम काफी खुश हैं क्योंकि एक महिला को पति मिल गया और मेरे बेटे को एक पत्नी मिल गई। पुत्र वधु दाम्पत्य जीवन बांधने के बाद अपने जीवन यापन कर सकेंगे। समाज में भी इन लोगों को मान सम्मान मिल सकेगा। इस पंचायत चुनाव में अजब गजब कहानी देखने को मिल रही है। इस अवसर पर महिला द्वारा शादी के गीत भी गाते हुए पति और पत्नी को लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। बिहार पंचायत चुनाव में अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें एक मुखिया प्रत्याशी तरह तरह की घोषणाएं कर रहे थे। वह मुखिया बनने के बाद खेतों में टाइल्स लगवा रहे थे। इसके साथ ही साथ नल जल योजना से दूध पानी नहीं बल्कि दूध निकलवाने की बात कर रहे थे। अब एक और नया मामला सामने आया है। जब प्रखंड कार्यालय में महिला नामांकन करने पहुंची तब उनके देवर ने उनकी मांग में सिंदूर डाल दिया। महिला का कहना है कि मैं इस शादी से खुश हूँ, परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों भी इस शादी से काफी खुश है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।